हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सलामत होंगे। तो गाइस अभी टाइम है ना 9 बज रहे हैं, नावा के एकदम तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों अभी का मौसम कुछ इस तरीके से है कि बिल्कुल तेज धूप निकली हुई ऐसा लग रहा है, जैसे कि गर्मी का मौसम हो और मई का मौसम ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी जून एंडिंग चल रहा है। एंड दोस्तों धूप देख सकते हो आप कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ख़तरनाक है। मैंने वीडियो की शुरुआत भी छाँव में से की थी इधर से, बिल्कुल है ना अच्छा देना, बिल्कुल ऐसी गर्म है। तो पानी वैसे आया था लेकिन वापस चले गया है, 2-3 दिन से बरसात नहीं हुई है। एंड गाइस वाइप का काम तो सुबह से चल रहा है, कपड़े वपड़े धो दिए ये देखो, और ये कपड़े यहाँ पर डल जाएंगे, अभी कुछ कपड़े बाहर भी डलेंगे इधर, और चाय वगैरह भी बना ली है। गाइस आज है ना खाने में भिंडी बनेगी, ये देखो तैयारी हो रही है भिंडी की सब्जी बनने की, चाय वगैरह तो पी चुके हैं और बच्चे सोए हैं। ठीक है, असद है, साहिबा है, तनाया सोई है। गाइस बच्चे ना अभी सोए रहते हैं क्योंकि अभी स्कूल भी बंद है और कुछ ही दिन में स्कूल चालू होने वाली है इनकी, उसके बाद इनको जल्दी से उठाया जाएगा और स्कूल पहुँचाया जाएगा। वैसे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। अभी फिलहाल ये है दुकान की चाबी, दुकान पर जाते हैं और कुछ काम वाम करते हैं। दुकान पर जा रहा था लेकिन दद्दू को देख के रुक गया हूँ। दद्दू को कहीं जा रहे हैं ये देखो, क्या सोच रहे हैं, और हाथ में दद्दू के क्या है, डब्बा है दद्दू क्या है हाथ में, क्या है गाइस? इनके घर ना शौचालय नहीं है, शौचालय ही बनवाना है अभी इनके घर का। दद्दू जा रहे हैं उधर दूर, और मैं भी निकलता हूँ अभी दुकान में। दुकान खुल चुकी है, थोड़ा बहुत काम भी किया है, और अभी बच्चे ना कुछ काम कर रहे हैं उनकी साइकिल का, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि इनके हाथों से ही भिड़ जाते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? हाँ कसले आराम से ना। सनाया क्या कह रही है? हाँ शाम को ले लेंगे केरी, शाम को ले आऊंगा मैं आम। गाइस आम मंग रही है, अपन शाम को ले आऊंगा ना मैं। गाइस ये मानेंगे नहीं, इसको दिलाना पड़ेगा। चल यार ये रही दुकान, चल पास पास में ही आम की दुकान है, मतलब फल की दुकान है। छोटी ले लेना। क्या किलो आम? आम 60 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। लो ये 1 किलो निकाल लो। लो सुना खुश। तो गाइस पाम दिला दिए और अभी है ना आंधी हवा भी चालू हो चुकी है, बिल्कुल मौसम बिगड़ गया है, बरसात का मौसम लग रहा है, बरसात जैसा लग रहा है। जा घर चले जा, दुकान पे कोई भी नहीं बैठा, मेरे को यहाँ बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। हैं दादा आ चुके हैं। दादा तुम नाले में गए थे यार आज तो। कच्चा मकान है क्या करें,
डेढ़ बात भी नहीं है। गई दादा का मकान कच्चा है, जर्जर है, टूटने वाला है और लेट बात भी नहीं है, तो कैसे क्या कुटीर में नाम भी नहीं आया क्यों? हाँ। क्या कर सकते हो यार दादा, आप कोशिश करेंगे, बात करेंगे अपन। हाँ, सरपंच सचिव से फार्म वार्म डालेंगे तुम्हारा। हाँ। है ना। हाँ। अब क्या कर सकते हैं दादा, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हमारी भी हमारी कुटीर नहीं आई। मजबूरी ये है दादा की, दादा का जो मकान है ना वो बहुत ही कच्चा है और दादा के यहाँ मतलब लेट बात भी नहीं है, और क्या कर सकते हो, उनकी कुटीर आई नहीं है, और अगर कुटीर वटीर आ जाए तो मकान उनका बन जाएगा, लेकिन अभी तक आई नहीं है कुटीर का दादा। तो कोशिश करेंगे और कोई भी सरपंच हो उनसे बात करेंगे, सचिव से बात करेंगे, नाम डालने की कोशिश करेंगे, पर अभी तो मतलब इसकी कुटीर वटीर नहीं आई है, तो इसी मजबूरी की वजह से इनको है ना जो भी मैं बोल रहा हूँ समझ गए होंगे आप, बाहर जाना पड़ता है। मकान की कंडीशन ये है कि अभी जो बारिश आ रही ना, बारिश में हो सका तो मकान गिर भी सकता है, क्यों दादा? हाँ। जिनका जो मकान है ना वो बारिश में डर ये लग रहा है कि कहीं गिर नहीं जाए, उधर नहीं जाए, मतलब पोली हो गई है ना, हमारी मजबूरी है। और गाइस मेरी भी इतनी वो नहीं है कि मैं इनका मकान बना सकूं, क्यों दादा? मेरी इतनी गोजड़ी नहीं है, ऊपर वाला है, कभी भी कहीं ना कहीं होगा अच्छा, क्यों? वैसे तो मैं दादा का मकान आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज और मैं मतलब बात निकली है तो जाऊँगा और दादा का थोड़ा बहुत मकान आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनका मकान है और कहाँ से गिरने वाला है कि आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी है ना फटाफट दुकान बंद करते हैं और दादा के घर निकलेंगे। गाइस बरसात हो चुकी है चालू और बहुत ही तेज बरसात हो रही है, सामने मेरी दुकान है, मैं भाई के पास आ गया था कपड़ा दुकान पर बैठने के लिए 2 मिनट के लिए, जब तक है ना बरसात चालू हो चुकी है और अभी दुकान भी नहीं बंद करी मैंने। घर आ चुके हैं और घर पे आके पता चला है कि असद को बुखार आ चुका है और असद का मुंह भी सूज गया, देखा ये देखो यहाँ से मुंह सूज रहा है असद का। हाँ तो अभी असद ठीक है ना, टेबलेट वगैरह खा ली, टेबलेट खा ली और ये टीवी में मरा गई पूरी तरीके से, देखो ये दूर से देख, दूर से देखो छोटे दादा को, दूर से देखो। गाइस खाने में क्या बना है, क्या बना? चावल, चावल दाल चावल खिचड़ी। तो गाइस फटाफट खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी भूख लगी। चावल
क्या कह रही? चावल खाएगी? आओ खा लेना, चलो खा लो। बच्चे तो है ना टीवी देख रहे हैं और इधर नहीं आ रहे हैं वीडियो गाइड करने के लिए, इसलिए वीडियो गाइड मैं अकेला कर देता हूँ। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को आगे बढ़ाइए। खुद के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, फैमिली को भी संभालना, ब्लॉग भी बनाना, एडिटिंग भी करना और बहुत सारे लोगों की बातें सुनना। गाइस पिछले 8-10 महीने से आप देख रहे हो कि मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है और ना ही किसी का सहारा है। बस आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार है और आप लोगों पे भरोसा है कि सपोर्ट करोगे। मुझे है ना किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपने आप पर भरोसा रखता हूँ और अपनी मेहनत पर भरोसा रखता हूँ। ऐसा नहीं है गाइस कि 2-3 वीडियो पिटा गए फिर किसी को पकड़ के वीडियो बना लिया, फिर 2-3 वीडियो पिटा गए फिर किसी और बड़े स्टार को पकड़ के वीडियो बना लिया और वही वीडियो वायरल कर दिए और वाह वाही लूट ली। ऐसा नहीं करता हूँ गाइस, मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। पिछले 8-10 महीने से आप देख रहे हो कि मैंने किसी का सहारा नहीं लिया है और मेहनत कर रहा हूँ, बस मेहनत कर रहा हूँ। और दुआ करता हूँ दोस्तों कि कुछ भी करके मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाए कि मेरा घर बार चल जाए और मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए। मैं कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। जिसने भी प्यार दिया उनका भी शुक्रिया, जिसने नहीं प्यार दिया उनका भी शुक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।